ये छोटा सा नुस्खा आपके दांतों को इतनी तेजी से साफ करेगा कि आप देखते रह जाएंगे कि आपके दांत कितनी तेजी से साफ हो चुके हैं। सिर्फ इसके 7 दिनों के इस्तेमाल में आपके दांत कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा ट्यूब पे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप चाहते हैं अपने गंदे पीले दांतों को बहुत ही तेजी से साफ करना, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दांत है उसका पीलापन, वो जो आप गुटखा खाते हैं उससे आपके दांत लाल हो चुके हैं या फिर आपके दांतों में सड़न पैदा हो रही है, तो ये नुस्खा आपके इन सभी प्रॉब्लम को सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने दांतों को मोती की तरह चमकाना, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं बता पाऊं कि नुस्खा किस तरीके से तैयार होगा। दोस्तों नुस्खा तैयार करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने भी तक हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल नुस्खा ट्यूब को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बाजू के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी ऐसी न्यू वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस नुस्खे को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां जो हम सबसे पहली चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दोस्तों मीठा सोडा। ये हमारे दांतों को साफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, साथ ही साथ इसमें ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं जो हमारे दांतों के पीलेपन, कालेपन व लालपन को बहुत ही तेजी से दूर करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जो है सोडा आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको यहां पर छोटे चम्मच में कुछ इतनी मात्रा में यहां जो सोडा है इतना सा बस आपको इस्तेमाल करना है, 1 से 2 चुटकी के लगभग। आपको यहां पर ज्यादा ये जो सोडा है इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों सोडा जो होता है ये हमारे मसूड़ों को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है लेकिन दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, इसलिए यहां पर हम 1 से 2 चुटकी जो है यहां सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां जो हम दूसरी चीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तों नमक। दोस्तों नमक यहां पर आपको 1 चुटकी के लगभग लेना है, आपको यहां ज्यादा नमक नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों नमक जो होता है यह हमारे दांतों को साफ करता है, पर दोस्तों ये जो इन दोनों में ये मिलता है तो आपको यहां पर इसकी जो है ज्यादा मात्रा बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है, इसलिए यहां पर आप मात्रा ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आप जान पाए कि ये नुस्खा किस तरीके से तैयार होगा और आप अपने दांतों पे लगा पाएंगे। तो यहां पर हमने 2 चीजों का इस्तेमाल कर लिया है, 2 चीज डाल दिए हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है दोस्तों मीठा सोडा और यहां पर जो हमने दूसरी चीज इस्तेमाल करी है वो है दोस्तों नमक। दोस्तों नमक लेने के बाद यहां जो आप अंतिम चीज इस्तेमाल करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके जो है दांतों को साफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। अब जो यहां पर हम अंतिम चीज इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोस्तों नींबू। दोस्तों यहां पर आपको कटा हुआ आधा नींबू का इस्तेमाल करना है। ये नींबू को आपको यहाँ थोड़ा सा प्रेस करना है, यहाँ 4 से 5 बूंद इसका ले लेना है और लेने के बाद आपको इसे फटाक से इस तरीके से मिला लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये आपके पूरे दांतों पे आराम से लग जाएगा। दोस्तों इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आपके दांतों पे इतनी सी जो है ये हमने नुस्खा बनाया ये आपके पूरे दांतों पे लग जाएगा। तो हम इस तरीके से लेंगे और अपने पूरे दांतों पे कुछ इस तरीके से इसे लगाएंगे, थोड़े देर ऐसे लगाएंगे और लगा के आपको ऐसे ही अपने दांतों पे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 2 मिनट छोड़ने के बाद जो आपको आपके दांतों से जो लार निकलेगा, आपके मुंह से जो लार निकलेगा, आपको नीचे जो है जैसे आप थूकते हैं उसी तरीके से आपको छोड़ देना है। आप इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हफ्ते भर आप इसका लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो दांत होगा बहुत ही तेजी से साफ हो जाएगा, गंदे पीले दांतों में आपको एक नया निखार दिखने लगेगा, आपके जो दांत है वो मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। और उसका दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप इसका डेली 7 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत परमानेंटली साफ हो जाएंगे। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, आपको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं आपसे इसी प्रकार के कोई नए नुस्खे टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।